आइए हम इस पत्ते को बताते हैं, पत्ते को पत्ते वहां से हटा लिए हैं, हटाने के बाद इसको फेंकिएगा मत, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। अगर स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में, नए वीडियो देखिए हम लाए हैं पपीता, जो पपीता छोटा है मगर ग्रो नहीं कर रहा है। ग्रो करने का कारण क्या है, देखिए पपीता में इतना भारी इतना वजन हो गया है, इतना पत्ते लगे हैं फिर फल लगे हैं, बहुत छोटा है, ग्रो कर ही नहीं रहा है। चलिए हम आपको बता दें पपीता कैसे ग्रो करेगा। देखिए पत्ते जो नीचे के पत्ते हैं, तो पत्ते मतलब पुराने हो गए पत्ते है वाला, पुराने पत्ते हो गए और ये नया पत्ता है। देखिए यह पत्ता जो पुराना हो गया है, इसको हम आज इसको बताएंगे, पत्ते को हटा देंगे तो वजन भी कम हो जाएगा पौधा का, और प्लस फल का भी वजन है। देखिए फल भी देख लीजिए आप, लगा है इसमें फल दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर है। अगर देखिए पत्ता को हम क्रश काट देंगे तो पौधे का वजन कम हो जाएगा। चलिए जब हम पत्ते को क्रश करते हैं काटते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा पौधे के लिए और बहुत अच्छा सा पौधा भी ग्रो होगा, लंबाई बहुत इसकी तेजी से ग्रो करेगी। चलिए हम और फल है, देखिए यहाँ पर फल जो पपीता पर फल लगा है, और पपीता को फल को जगह चाहिए, जगह पत्ते को जो लगता है, देखिए यहाँ पे पपीते का फल है, इसको जगह मिल नहीं रहा है, बड़े होने के लिए जगह नहीं मिल रहा, इसीलिए हम पत्ते को हटा देंगे। आइए चलिए पत्ते को हम हटाते हैं, यहाँ से पत्ते को क्रश कर लेंगे, काट लेंगे। जहां तक फल लगा है वहीं तक हम पत्ते को क्रश कर लेंगे, काट लेंगे। चलिए आइए हम लोग इसको काट लेते हैं। देखिए हम पत्ते को काट लेंगे, देखिए यह पत्ता बहुत, आइए हम इस पत्ते को बताते हैं, पत्ते को पत्ते वहां से हटा लिए हैं, हटाने के बाद इसको फेंकिएगा मत, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। अगर किसी लोग अगर किसी भाई लोग को विटामिन कैल्शियम की कमी हो, तो अगर इस पत्ते को अगर अच्छे से मिक्स करके मतलब पानी के साथ पीस कर इसे पी लेंगे तो कैल्शियम अच्छा भरचूर मात्रा में आपके शरीर में बना रहेगा। अब पत्ते को देखिए, अब पत्ते इतना हमारे पास हो गया, एक लोग आए थे वही बोले हैं हमको पत्ते चाहिए, तो मुझसे पूछे हैं पत्ते क्या होगा तो बताएं हमको। उम्मीद होगी तब के घर अगर पौधा हो पपीते का, यह जो हम किए हैं यह उस पर पौधे पर फॉलो कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।